वैश्विक कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 26 करोड़ 58 लाख हो गए। इस महामारी से अब तक कुल 52.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 8.17 अरब से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हुआ। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए। सोमवार सुबह अपने नवीनतम अपडेट में यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग ने बताया कि वर्तमान वैश्विक मामले, मरने वालों की संख्या और टीकाकरण की कुल संख्या क्रमशः 26 करोड़ 58 लाख 24,521, 52 लाख 55,456, 817 करोड़ 20 लाख 59,082 है। कोरोना मामले में भारत बना हुआ दूसरा सबसे प्रभावित देश। सीएससी के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक मामलों और मौतें 4,90,85,361 और 7,88,363 के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। कोरोना मामले में भारत दूसरा सबसे प्रभावित देश बना, जहां कोरोना संक्रमितों के आंकड़े 3,46,33,255 है, जबकि 4,73,326 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद ब्राजील में कोरोना के 2,21,43,091 मामले हैं, जबकि यहां पर 6,15,636 लोगों की मौत हुई है। 50 लाख से ज्यादा मामलों वाले देश। सीएससी के आंकड़ों के अनुसार 50 लाख से ज्यादा मामले वाले अन्य सबसे प्रभावित देश में यूके 1,05,23,316, रूस 96,30,296, तुर्की 89,03,087, फ्रांस 80,21,237, जर्मनी 61,69,339, ईरान 61,34,465, अर्जेंटीना 53,40,676, स्पेन 52,02,998, इटली 51,09,082 और कोलंबिया 50,61,064 है। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने दवाई जाने। जिन देशों ने 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौतों का आंकड़ा पार कर लिया, उनमें मेक्सिको 2,95,155, रूस 2,75,824, पेरू 2,01,360, यूके 1,46,055, इंडोनेशिया 1,43,863, इटली 1,34,195, ईरान 1,30,200, कोलंबिया 1,28,780, फ्रांस 1,20,519, अर्जेंटीना 1,16,686 और जर्मनी 1,03,049 शामिल है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।